तो यही सब कुर्सी उठा उठा के ला के रख रहा हूँ मैं अभी। और है तो देखो दोस्तों, पूरा साफ सफाई किए कफिल की वाइफ, मैं और नौकरानी मिलके। कफिल की वाइफ पानी डाल रही थी, हम दोनों वो जो दिख रहा है उससे पानी खींच रहे थे। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सावेश ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों ने कल देखा था कि वो मैं गया था वो खाना लेने के लिए, तो वो मैडम पहले नहीं बोली थी, उसको दही चाहिए था, दही एच, और वो दही मिलता है यहीं पे अलबादिया में। तो मैं अलबादिया में जब गया था तो उस समय नहीं बोली थी, जब अलबादिया से सदियान चला गया तब बोल रही है कि दही चाहिए, वो एच वाला जो नीले वाला आता है जो मैं लेके जाता हूँ। तो मैं बोला अभी मैं सदियान आ गया, अब सदियान से फिर अलबादिया जाना पड़ेगा, वो सिर्फ वहीं पे मिलता है, बाकी और किसी सुपरमार्केट में नहीं मिलता है। तो बोली थी मैडम कि चलो ठीक है अभी रहने दो, मगर कल सुबह जब भी उठना तुम सबसे पहले दही ला के पहुँचाना। तो अभी मैं उठा हूँ, देखो 10:55 हो रहा है, मैं अपना 10 बजे उठ गया था, अपना मुंह वगैरह धोया, बाकी अब मैं जा रहा हूँ और दही लेके दही पहुंचा देता हूँ। फिर उधर ही से एक कोल्ड ड्रिंक लेके आऊंगा, जो खाना दी थी मैडम वो खाना गर्म करेंगे और अभी खाएंगे। तो चलो बिना देरी करते हुए चलते हैं अलबादिया में दही खरीदने, और दही ले जाके पहुंचा देंगे अभी कफिल के घर पे। तो पहुंच गया मैं ये सुपरमार्केट में। देखो कल रात को वो वाला होटल में आया था मैं, और ये वाला सुपरमार्केट में सिर्फ इसी में मिलता है वो वाला दही। और जब मैं यहाँ पे था तो कुछ बोली नहीं थी कि दही वगैरह चाहिए, जब मैं यहाँ से सदियान चला गया तब बोल रही है कि दही चाहिए और वही वाला दही चाहिए। आगे ये सब अलमराई वगैरह ये सब जो अलग वगैरह रहता है ये तो हर सुपरमार्केट पे मिल जाएगा, मगर ये वाला दही सिर्फ यहीं पे मिलेगा। देखो ये वाला, इसको जबादी एच बोलते हैं ये लोग। दही को यहाँ पे जबादी बोलते हैं, और ये एच क्यों बोलते हैं पता नहीं, कंपनी के नाम तो ये है। चलो देखते हैं कितना है, जितना है ले लेते, 6 ले लेते हैं। ये ले लेते हैं, 15 रियाल का होगा। बाकी ये है गिस्ता, दही खत्म, 6 ही बचा था। यहाँ से लेते हैं पन्नी, यहाँ पे पन्नी को बोलते हैं किस किस। तो ये ले लिया मैं, 2 रियाल का मिरिंडा लिया हूँ, बाकी ये 6 दही 15 रियाल का पड़ा, 1.5 रियाल का मिलता है। तो ये दही लेके आ गया मैं कफिल के घर पे, चलो दे देता हूँ और फिर निकलता हूँ मैं रूम के लिए। रूम पे जाके अपना खाना वगैरह गर्म करके खाएंगे। देखो धूप में बहुत ही गर्मी, कोई नहीं है कहीं पे भी, पूरा सुन सन्नाटा। यहाँ पे अभी किसी का भी गाड़ी नहीं है, मतलब कोई भी अभी नहीं है रूम पे घर पे। तो चलो दही दे दिया मैं, ये बैग करके इधर से निकल लेता हूँ मैं अपने रूम की तरफ। मैं हमेशा इधर से जाके घूम के आके फिर इधर से घूम के फिर जाता हूँ, थोड़ा सा बैग कर लेते हैं। अभी दोपहर में उतना भीड़ नहीं रहता है, खाली खाली रोड है। रात को बहुत ही स्पीड में ये लोग चलाते हैं, आते हैं एकदम राइट मुड़ेंगे बिना देखे, इसीलिए बैग नहीं करता हूँ मैं ज़्यादा। तो चलो दोस्तों दिखाता हूँ मैं आप लोगों को क्या मिला है इसमें। तो ये सलाद है, चटनी है और सफरा, और ये है नीमकी। तो देखो ये है रूबा मुर्गी और चावल, चलो इसको रख देता हूँ गर्म होने के लिए।
तो अभी मैं रख दिया हूँ गर्म होने के लिए, गर्म हो जाएगा तो फिर ला के खाएंगे। तो ये उठा के ला लिया मैं, गर्म हो गया अपना खाना। चलो मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ गर्म होने के बाद पूरा ओपन करके। उस समय तो आधा ही ओपन किया था। तो ये है मसाला, देख सकते हो लेग पीस है। चलो मैं निकालता हूँ ये सब, देखो इसके साथ ये प्याज वगैरह चटनी, और ये कोल्ड ड्रिंक लाया हूँ मैं। तो दोस्तों ये अपना खाना निकल गया, देखो अभी आधा चावल बाकी ही है, चलो रात को भी काम आ जाएगा बाकी। चलो अभी मैं खाना खाने बैठ गया हूँ, आप लोग भी आओ बिस्मिल्लाह करो। तो चलो मैं मिलता हूँ जब कोई ड्यूटी वगैरह आता है तो। तो दोस्तों अभी शाम के 3:50 हो रहा है, और अभी अभी बैंक वाली मैडम व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग भेजी थी कि तलाजा जवाज में जाना है। रमज़ान में गया था मैं एक बार, तोरतीला खबूस लेके आया था, वो रोटी जहाँ पे रेडीमेड सब समोसा वगैरह सब मिलता है यहीं इधर मार्केट में ही है। तो चलो उधर चलते हैं, देखते हैं क्या मंगाएगी और वो सामान ले जाकर पहुंचाते हैं। तो देखो 3:51 हो रहा है, 52 हो गया, अभी चलता हूँ मैं आप लोगों से, सीधे वहीं पे मिलता हूँ। तो दोस्तों पहुंच गया मैं, देखो इधर ही आया था मैं रमजान में। देखो ये मार्केट वाला किला है, पुराना किला, पिछली बार आया था तो यहाँ पे लोकेशन मुझे रोका था और बारिश हो रही थी उस दिन खूब। तो देखो दोस्तों ये ब्रूस्ट मंगवाइए, ब्रूस्टेड मुर्गी फ्राई, ये एक है 24 रियाल का। और जो मार्केट में तला हुआ मिलता है हाफ मिलता है 22-23 रियाल का, ये फुल है पूरा एक मुर्गी 1 किलो। तो देखो ये जो लाल वाला है ये स्पाइसी है तीखा वाला, बाकी ये सादा वाला। तो देखो दोस्तों यहाँ पे सब रेडीमेड कटा हुआ मसाला लपेटा हुआ रखा रहता है, खरीदो फ्राई करो और खाओ। देखो ये फ्रेंच फ्राई, ये भी फ्रेंच फ्राई भी मंगाई है मैडम। तो देखो ये फ्रेंच फ्राई भी मंगवाई है, ये 31 रियाल का है, ये पूरा मसाला वाला मंगवाई है, सादा भी है। तो ये फ्रेंच फ्राई, बाकी वो 3 पीस ब्रूस। तो दोस्तों ये ले लिया मैं, 103 रियाल का बिल हुआ, अभी मैं पे किया, बाकी कल रात का भी 100 रियाल अभी भेजी नहीं है। तो अभी 203 रियाल का बिल उसके पास भेजता हूँ, देखो ट्रांसफ़र करेगी। अब यहाँ पे भी वो UPI चलने लगा है ना, इंडिया वाला UPI। UPI अब ये नहीं कि हाँ पेटीएम फ़ोन पे ही चले, यहाँ पे जो बैंक है STC है, STC ऐप चल रहा है, बाकी अलराजी बैंक जो जो भी बैंक है सब UPI चला रहे हैं आजकल। तो ये ब्रूस्टेड लेके आ गया मैं इधर कफिल के घर पे, चलो अभी दे देता हूँ इसको मैं, चलते हैं रूम पे। तो ब्रूस्टेड तो दे दिया मैं, अभी नौकरानी रुकने के लिए बोली है पता नहीं क्यों, देखते हैं। तो ऊपर में जाके कोई सामान उठाना है नौकरानी के साथ मिल के, नौकरानी भी अब खूब फायदा उठाती है मेरा, कोई भी भारी चीज़ उठाना होता है बोल देती है कि ड्राइवर को भी साथ में बोल दो। हाँ तो गाड़ी सही से पार्किंग लगा दे रहा हूँ मैं, फिर जा रहा हूँ अंदर, वो सामान उठा के ले जाके रख देते हैं। तो यही सब कुर्सी उठा के ला के यहाँ रखना है ऊपर से, तो यही सब कुर्सी उठा उठा के ला के रख रहा हूँ मैं। अभी और है, ये अमीरों का चोचले होते हैं, जब मन कर दे शाम को आंगन में बैठने का कुर्सी लगाएंगे फिर कुर्सी उठवा के रखवाएंगे। ये नौकरानी नखरे कर रही है, नखरे कर रही है कि उठ नहीं रहा मेरे से, उठ नहीं रहा,
सब मुझे उठा के ला के रखना पड़ा। वो जो एक टेबल बच्चा है वो उससे नहीं उठ रहा है, इतना सारा मैं उठा के ला के रखा। तो ये सब उठा के ला के रख दिया। अब ये लोग बोल रहे हैं ये पूरा धोने का है, उधर से इधर सब पानी डाल के देखो पाइप से। तो देखो दोस्तों पूरा साफ सफाई किए, कफील की वाइफ मैं और नौकरानी मिल के। कफील की वाइफ पानी डाल रही थी, हम दोनों वो जो दिख रहा है उससे पानी खींच रहे थे। तो हो गया दोस्तों, बस उधर का ही साफ करना था, साफ कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ रूम पे, देखो और कोई ड्यूटी वगैरह आएगा तो मैं बताऊँगा आप लोगों को। नाश्ता करने के लिए ले लेता हूँ बिस्कुट वगैरह, यही सुपरमार्केट पे रुका हूँ मैं। तो देखो अभी साफ सफाई करके आए और बारिश वाला मौसम हो गया, लगता है बारिश होगा। यहाँ पे तो कोई बिस्कुट नहीं है, चलो आगे देखते हैं पार्ले जी लेना है। तो वहाँ से ये दूसरे कॉलेज में आया हूँ, यहाँ देखते हैं पार्ले जी है कि नहीं। तो ये यहाँ पे दो ही पार्ले जी बचा है, चलो एक ले लेते हैं, चलो दोनों ही ले लेते हैं, कल के लिए काम आ जाएगा। तो एक बुक जी भी ले लिया मैं और दो पार्ले जी, दो था तो दोनों उठा लिया। कल भी तो नाश्ता करना ही है, डेली तो नाश्ता करना ही पड़ता है, शाम का स्नैक्स करते हैं हम। चलो चलता हूँ मैं रूम पे, बारिश होने वाला है आज लगता है बहुत तेज। तो देखो दोस्तों बारिश होने लगा, चिटिर पिटिर अभी हो रहा है, गाड़ी खराब हो जाएगा अगर इतना ही हुआ तो। बारिश हो तो खूब जम के मज़ेदार बारिश हो ताकि पूरा गाड़ी धुल जाए। देखो धूल मिट्टी कैसे उड़ रहा है, सब शीशा बंद करते हैं, आ रहा है तूफान, आ रहा है दुबई वाला तूफान इधर आ रहा है। तो ये मैं नाश्ता करने बैठ गया अपना, ये रहा बुक जी और एक पार्ले जी, आज एक पार्ले जी रख देंगे कल के लिए। तो चलो दोस्तों अभी मैं नाश्ता करने बैठ गया हूँ, आप लोग भी आओ नाश्ता करो। तो दोस्तों अभी 9:21 हो रहा है और अभी छोटी वाली मैडम फ़ोन की थी कि वहाँ पे जाना है मुतबक के होटल में, वो सालम उधर मार्केट में, वहाँ से मंगाएगी मुतबक। मुतबक मतलब वही अंडा पराठा को ये लोग मुतबक बोलते हैं। और देखो बारिश आया कुछ नहीं, थोड़ा सा बस बूंदाबांदी हुआ है, गाड़ी ख़राब हो गया, अब गाड़ी साफ करना पड़ेगा, ये अलग एक प्रॉब्लम हो गया। देख रहे हो पूरा शीशा ख़राब हो गया है और एक इसका वाइपर भी ख़राब हो गया है, उसको जाना पड़ेगा बनवाने कफील के दुकान पे। तो 9:22 हो रहा है, चलो अभी निकलता हूँ मैं। तो देखो ये है वो सालम, नाम था पहले, नाम बदल दिए हैं। चलो चल के देखते हैं अंदर। तो ऑर्डर दे दिए हैं 5 उन लोगों का, बाकी एक मेरे लिए मुतबक, ये वाला मुतबक देखो, ये है अंडा का भी बनता है चिकन का भी बनता है, तो चिकन वाले मंगाए हैं वो लोग। चिकन वाला आप देख सकते हो ये 7 रियाल का एक है, तो 6 का ऑर्डर दिया गया है। देखो अभी बनना शुरू हो रहा है, बन जाएगा पूरा। तो दोस्तों अपना मुतबक रेडी हो गया, चलो इसको पहुंचा देते हैं कफील के घर पे। और अभी मैं खाना खाया भी नहीं था तो चलो यही खा के अपना आज हो जाएगा, चलो चलते हैं जल्दी से।
तो ये मुतबक लेके आ गया मैं कफिल के घर पे। चलो दे देता हूँ मैं, बाकी पैसा भेज दिए मैडम अकाउंट में UPI ट्रांसफ़र से। अब इधर भी UPI आ गया है, खूब ट्रांसफ़र हो रहा है, फ्री में है, कोई पैसा नहीं लगता है ट्रांसफ़र करने में। पहले लगता था, पहले 1 रुपया भी ट्रांसफ़र करो तो 16-17 रियाल लगता था। जब से UPI आ गया है फ्री हो गया है। तो दे दिया मैं इन लोगों का मुतबक, अपना मुतबक लेके चलता हूँ मैं रूम पे। अरे यही खाऊंगा मैं आज, मैं अपना तीखा वाला बनवाया था, इन लोगों का बिना तीखा वाला। तो पहुँच गया मैं, बाकी ये जो बना रहे थे ये मुतबक वो कुशीनगर के थे। मैं बात किया, पूछा किधर के हो, तो बोले कुशीनगर का हूँ। कुशीनगर वही जमील के गांव के जमील के गांव के हैं वो। चलो पहुंच गए मैं, अब इसी से अपना खाना वगैरह खाते हैं। दोपहर का थोड़ा चावल है उसको अभी गर्म कर लूँगा मैं, थोड़ा ये और थोड़ा चावल। तो ये रख दिया मैंने गर्म होने के लिए। तो ये है अपना मुतबक, इसमें मिला था। जब तक वो चावल गर्म हो रहा है अपना, ये खाते हैं धीरे धीरे, वो गर्म हो जाएगा तो फिर ला के चावल भी खा लेंगे। तो चलो दोस्तों अभी मैं खाना खाने बैठ गया हूँ, आप लोग भी अब बिस्मिल्लाह करो। तो चलो इस वीडियो में इतना ही था, आप लोगों को मिलता हूँ मैं अब सीधे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करके वीडियो शेयर कीजिए।